अब हमारा अगला टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडल, उनके बारे में और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आज हम जेनेटिक्स के बारे में कितना कुछ जान गए हैं। जब मेंडल छोटे थे उनके फादर एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करते थे और बचपन से ही मेंडल बहुत क्यूरियस थे। तो मेंडल ये सोचते थे कि हर एक सीड जब हम लगाते हैं और जब उसके बेबी प्लांट्स आते हैं तो हर बार बेबी प्लांट्स अपने पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं। जिसे थोड़े टाइम पहले ही हमने इस चैप्टर में देखा था कि जब हमने आम का बीज लगाया था तो उसे आम के पेड़ ही कैसे आ रहे थे, कोई और फल क्यों नहीं निकल रहा था। वो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते थे और आगे चल के उन्होंने इन्हीं चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना स्टार्ट किया। मेंडल ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे तकरीबन 7 सालों तक। और कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे? उन्होंने कंडक्ट किए थे गार्डन पी पे, पाइसम सटाइवम पे। उन्होंने गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सटाइवम, उसके ऊपर उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उस पर बेस्ड आगे चल के कुछ लॉज प्रपोज हुए थे जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम इस चैप्टर में आगे कवर करेंगे। और उनके इन्हीं इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आज उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हमारा टॉपिक आता है मेंडल्स सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। जब मेंडल पाइसम सटाइवम या पी प्लांट पे काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था और उन्हीं कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया था। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं हम देखेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था और इन 7 कैरेक्टर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर था उनका स्टेम हाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर है जो बता रहा है कौन सा कैरेक्टर है स्टेम हाइट, और उसी हाइट के ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो बता रहे हैं कि हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी। यहाँ पर ये जो आप डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा हुआ देख रहे हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्टेम हाइट आया जो कि आपका क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। अगला कैरेक्टर देखेंगे जो कि है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर ये बताता है कि फ्लावर कलर वायलेट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। आपका अगला कैरेक्टर आता है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन ये बताता है कि फ्लावर की पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है यानी कि तिरछी भी हो सकती है, या फिर टर्मिनल मतलब कि स्ट्रेट भी हो सकती है। आपका अगला कैरेक्टर आता है पॉड शेप। पॉड शेप ये बताता है कि उसका शेप इन्फ्लेटेड भी हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। आपका अगला कैरेक्टर आता है पॉड कलर। पॉड कलर ये बताता है कि उसके 2 ट्रेट्स वापस से आ रहे हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, क्या हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं या फिर वो येलो भी हो सकते हैं। आपका अगला कैरेक्टर है सीड शेप। सीड शेप आपका राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है, अगेन इसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। अब आपका अगला आता है और आखिरी कैरेक्टर है 7वां जो मेंडल ने लिया था, वो है सीड कलर। सीड कलर आपका येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल सिलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 12। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल को पढ़ें और सोचें कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी 14। मेंडल ने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। अगर आप याद करें कैरेक्टर्स कितने थे, कैरेक्टर्स थे 7 और उन्हीं 7 कैरेक्टर्स के 2-2 आपके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, यानी कि कितने हो गए 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स।